है यू ऑल टूडे इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मे और माइट को लेकर कंफ्यूज होते हैं मैंने सोचा एक शॉर्ट वीडियो बनाता हूं भाई जिसमें मे और माइट को डिटेल में बता सकूं तो भाई मे और माइट एक्चुअल में दोनों जो है ऑक्सिलरी वर्ब है आपकी इन्हें हम लोग मोडल वर्ब के नाम से भी जानते हैं तो इन दोनों वर्ब्स को आप जब यूज करें ना तो सबसे पहली चीज तो आप याद रखें कि जो भी काम हो सकता है जो भी काम होने की पॉसिबिलिटी है उसको शो अप करने का काम करती है तो ये भी पॉसिबिलिटी को शो अप करने का काम करता है और माइट जो है वो भी पॉसिबिलिटी को शो अप करने का काम करता है लेकिन माइट के और भी अदर यूजर्स हैं मैं चाहता हूं आज सारे यूजर्स में आपको माइट के डिटेल बताऊ दो तीन जो भी यूजर्स तो तो सबसे पहले है तो ना मे और माइट में अगर हम डिफरेंस देखें तो ये जो मे है ये इसकी प्रेजेंट फॉर्म है तो माइट जो है पहला यूज अगर आप देखें सो so यह आप लिख लें यह मे का पास्ट फॉर्म है ठीक है कौन सी फॉर्म है पास्ट फॉर्म मतलब मे को पास्ट में अगर आप यूज कर रहे हो तो माइट यूज होगा कैसे जिसे आपने कहा सैड स्टेटमेंट दिया डायरेक्ट स्पीच में रेन टूडे एक व्यक्ति है वो उसने क्या कहा कि आज बारिश हो सकती है जब इस स्टेटमेंट को आप जो है इनडायरेक्ट में कहेंगे तो आप कहेंगे ही सैड दैट इट मे का यहां हो जाएगा माइट स्टूडेंट इट माइट रैन टूडे का हो जाएगा दैट डे तो तो सबसे पहला यूज़ तो माइट का हमको यह समझना होगा कि माइट जो है एक्चुअल में मे की पास फॉर्म है ठीक है सर ये तो आ गया समझ में आगे क्या आगे ये है भाई कि मे जो है ये अलग चीज है मे जो है इसका उपयोग क्या होता है वो आप समझे जब ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है ठीक है जब किसी कार्य के करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है तो वहां पर आप जो है क्या यूज करते हैं मे यूज करते हैं और जहां पर पॉसिबिलिटी कम होती है यह दूसरा यूज है ठीक है जहां पर किसी कार्य के होने की पॉसिबिलिटी कम होती है वहां पर आप माइट लगाते हैं टेंस में मतलब कि मे भी टेंस में यूज होता है और माइट जो है ये प्रेजेंट टेंस में भी यूज हो जाता है और साथ ही साथ ये माइट जो है ये पास्ट टेंस में भी यूज हो जाता है क्योंकि ये जो है माइट मेक की पास्ट फॉर्म है इसलिए तो सबसे पहले तो मेक के हमने एक पहला यूज देखा कौन सा कि इसका उपयोग जो होता है प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए होता है और माइट के दो यूजेस देखे पहला कौन सा कि भाई मेक जो की जो पास्ट फॉर्म है उसका मीनिंग जो है माइट निकलता है हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा कि ही सेड इट मे रेन टूडे जिसका हमने जब पास्ट में किया तो मे का क्या हो गया माइट हो गया क्योंकि ये जिस तरीके से विल की पास्ट फॉर्म वुड होती है कैन की कुड होती है ऐसे ही मे की जो पास्ट फॉर्म होती है स्टूडेंट्स वो माइट होती है ये हमको अच्छे से क्लियर हो गया अब हमने दूसरा हमने देखा कि कम पॉसिबिलिटी के लिए तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी रेडीमेड एग्जाम्पल पहले से लिख के करके मैं आपको बता दूंगा अब मैं आपको मे के बारे में और डिटेल बताता हूं उससे पहले मैं चाहता हूं आप एग्जाम्पल्स देख ले कि कैसे इनको हमें लर्न करना होता है अब आप यहां पर देखें यहां लिखा है आपको मोर पॉसिबिलिटी ज्यादा पॉसिबिलिटी और यहां लिखा है लेस पॉसिबिलिटी कम पॉसिबिलिटी देखो आई थिंक ही मे कम लेट टूडे मुझे लगता है आज वो लेट आएगा तो आप पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो मुझे लगता है आज वह लेट आएगा लेट आ सकता है या शायद वो लेट आएगा जो भी आप में नहीं निकालना चाहता है। लेकिन अगर आप मे का उपयोग कर रहे हैं तो आपका मीनिंग ये है आपका बोलने का अर्थ ये है कि आप उसमें पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो ऑन हैंड जब आप माइट की बात करते हैं आई थिंक ही माइट कम लेट टुडे इसका मतलब ये हुआ कि ये जो माइट है एक्चुअल में ये यहां पर ये दिखा रहा है कि मुझे ऐसा लगता है शायद ये आज वो लेट आए मतलब उसके लेट आने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है यहां पर लेट आने के चांसेस ज्यादा है तो ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए आपको मे का यूज करना होता है कम पॉसिबिलिटी के लिए आपको माइट का यूज करना होता है ये दोनों आपके प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं ये भी प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और ये भी प्रेजेंट टेंस में यूज होता है इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट सोचता है कि मे जो है एक्चुअल में माइट जो है मे से बना तो शायद ये पास्ट में यूज होता होगा ऐसा नहीं है ये दोनों प्रेजेंट में यूज हो रहा है इसके बाद देखो यू मे गो आप जा सकते हो आप जाओगे मतलब शायद आप जाओगे या शायद आप जा सकते हो तो यह पॉसिबिलिटी है और दूसरा यू माइट गो शायद ही आप जाओ शायद ही आप जा सकते हो कम पॉसिबिलिटी है तो ऐसी सिचुएशन में माइट और ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो ऐसी सिचुएशन में मे सेंटेंस वही है लेकिन मे और माइट का मीनिंग दे रहा है इट मे रेन टुडे आज बारिश हो सकती है और यहां लिखा है इट माइट रेन टुडे आज बारिश हो सकती है लेकिन यहां पर दोनों में डिफरेंस है मे अगर आप लगा रहे हो तो इसका मतलब यह होगा कि बारिश होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा है और माइट लगा रहे हो तो बारिश होने के जो चांसेस बहुत ही

मे आई गो there? May आई टेक your सीट May आई टॉक टू यू for अ वाइल सो दिस इज मे वी गो क्या हम जा सकते हैं May आई कम इन क्या मैं अंदर आ सकता हूँ तो इस तरीके से रिक्वेस्ट में आप आई और वी जो कि दोनों फर्स्ट पर्सन है इसके साथ आप लोग किसका उपयोग करते हैं स्टूडेंट्स मे का उपयोग करते हैं ये बहुत विशेष ध्यान आपको देना है इसके अलावा आपके जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं

तो ये इंटरगेटिव होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है यहां पर मे लगा हुआ है लेकिन ये सेंटेंस एक्चुअल में लेट मी टेल यू आपका ये सेंटेंस सेंटेंस जो है actual में interrogative नहीं है आपका sentence है एक्चुअल में इंटरगेटिव नहीं आपका ऑप्टेटिव नाउ एक छोटी सी एक्सरसाइज है कुछ दो तीन क्वेश्चन लिखे हैं आपको देखना है इसमें द पेशेंट्स कंडीशन क्रिटिकल आई थिंक ही ब्लिंक सर्वाइव नाउ अब यहां पर आप देखो कि आपको क्या दिया हुआ है कि जो पेशेंट है मरीज है उसकी कंडीशन कैसी दिख रही है आपको क्रिटिकल दिख रही है भाई तो मुझे लगता है कि वो शायद ही बचे तो उसके सरवाइव करने के चांसेस कम है मतलब पॉसिबिलिटी कम है तो ऐसे सिचुएशन में आपको यहां पर यूज करना होगा माइट राइट सो दिस इज द थिंग एक्चुअली द पेशेंट कंडीशन सिम्स गुड पेशेंट की कंडीशन अच्छी दिख रही है नाउ आई थिंक ही मे अब भाई यहां पर मे क्यों आया है अब देख लो ना यहां पर माइट चांसेस उसके बचने के कम है और यहां पर पेशेंट की जो कंडीशन है वो अच्छी दिख रही है मतलब उसके बचने के चांसेस ज्यादा है तो आपने में लगाया एंड लास्ट में द वेदर इज क्लियर टुडे आई थिंक इट ब्लैंक रेन टूडे अब आप खुद ही बताइए कि वेदर जो है क्लियर है मौसम एकदम साफ है तो बारिश होने के चांसेस कम है या ज्यादा है तो आप कहेंगे सर बारिश होने के अगर मौसम क्लियर है तो चांसेस कम है जब चांसेस कम है तो आग बंद करके आपको क्या लगाना है माइट लगाना है देर इज अंपल कॉन्सेप्ट यू डोंव टू बी कंफ्यूज एनी मो कि भाई मे और माइड के बीच में क्या डिफरेंस है बाकी मे के कुछ मल्टीटास्किंग यूजेस जो मैंने आपको बताया कि भाई मे जो है आपको ऑप्टेटिव सेंटेस में यूज होता है रिक्वेस्ट के साथ में यूज होता है तो दो तीन चार बार आप प्रैक्टिस करोगे वैसे ही प्रिपेयर हो जाएगा मैंने कहा ना सबसे आसान काम अगर कोई है तो वह अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना और उससे भी आसान काम है इंग्लिश बोलना सो डोंट फियर योर स्टूडेंट जस्ट स्पीक कॉन्फिडेंटली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अभी से और अभी से अभी से अभी से अभी से स्टार्ट कर देनी वो है प्रैक्टिस आपकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतना शानदार आपका परफॉर्मेंस होगा चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर ऑथेंटिक कॉन्टेंट के साथ में आई होप कि आपको मे और माइट के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ में आएगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए फटाफट और अपने स्टेटस पर आप रख ले व्हाट्सएप पर ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है इससे जुड़ सके थैंक यू सो मच